आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जांबूरा की बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार चटनी की रेसिपी। जांबूरा सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। जांबूरा में भरपूर मात्रा में विटामिन सी और विटामिन बी पाया जाता है और इस तरह से जांबूरा की चटनी बनाकर खाने से बहुत ही टेस्टी लगता है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और रेसिपी अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है एक जांबूरा। अभी जांबूरा को कट कर लेंगे। तो पहले ना इस तरह से दोनों साइड से जांबूरा को कट कर लेंगे, और दोनों साइड से कट करने के बाद अभी इस तरह से इसका जो छिलका है ना इसके ऊपर इस तरह से कट लगा लेंगे, तो जांबूरा की जो छिलका है वो आसानी से हट जाएगा। तो देख सकते हैं इस तरह से कट लगाने के बाद कितनी आसानी से जांबूरा का जो छिलका है वो हट रहा है। तो ये ट्रिक आप लोग ज़रूर ट्राई करना। तो मैंने यहाँ पे जांबूरा को अच्छी तरह से छील लिया है, इसका जो छिलका है। अभी चाकू की मदद से इस तरह से आधा कर लेंगे और अभी इस तरह से पीसेस में जांबूरा को कट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 3 पीसेस में इस तरह से कट कर ली है, देख सकते हैं। और अभी क्या करेंगे, इस तरह से जांबूरा को निकाल लेंगे। ये जो फल है ना इसका टेस्ट खट्टा मीठा रहता है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इस तरह करके सभी जो जांबूरा है इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सभी जांबूरा को निकाल लिया है। अभी इसमें डाल देंगे लहसुन। तो मैंने यहाँ पे 5-6 लहसुन की कलियों को बारीक बारीक कट करके डाल दिए है। अभी इसमें डाल देंगे पुदीने के पत्ते और उसी के साथ इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हरी मिर्च। तो मैंने यहाँ पर 1 हरी मिर्च को इस तरह से बारीक बारीक काट करके डाल दिया है। और हरी मिर्च को डालने के बाद अभी इसमें डाल देंगे चिली फ्लेक्स। तो मैंने यहाँ पे आधा चम्मच से थोड़ा कम ले लिया है चिली फ्लेक्स, वो डाल दिया है। और अभी इसमें डाल देंगे काला नमक, और काला नमक डालने के बाद उसी के साथ इसमें डाल देंगे थोड़ा सा सफ़ेद नमक। तो काला नमक डालने से ये जो चटनी है बहुत ही टेस्टी बनता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे काला नमक डाला है। और इन सभी मसाले को डालने के बाद अभी हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए मैंने मसालों के साथ जांबूरा को अच्छी तरह से मिक्स कर ली है। अभी हमारा जांबूरा की चटनी बनकर तैयार है। तो आप लोग भी घर पर इस तरह से जांबूरा की चटनी बनाकर जरूर ट्राई कीजिए और एंजॉय कीजिए मेरी रेसिपी को, और अपने फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। बाय फ्रेंड्स।